स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम एक रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम होगा बाइनरी नंबर। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर क्या है। सबसे पहले तो बाइनरी नंबर के बारे में बता दें, बाइनरी नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसको कंप्यूटर रीड करता है, और कंप्यूटर सभी संख्याओं को रीड नहीं करता है। कंप्यूटर सिर्फ जीरो और एक को ही रीड करता है। इट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि जीरो और एक जो होता है वो बाइनरी संख्या होता है। बाइनरी संख्या पर कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, आइए पहले इस पर बात करते हैं। बाइनरी संख्या पर तीन प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पहला जो होगा आंकिक मान का कोड, दूसरा होगा कोड का आंकिक मान, और तीसरा होगा गणितीय संक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे आंकिक मान का कोड। आंकिक मान का कोड पर किस प्रकार से हम प्रश्न करेंगे, पहले हम आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं इस पर कैसे प्रश्न किए जाएंगे। एक प्रश्न दिया गया है, आंकिक मान 45 के लिए बाइनरी कोड ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम आपको बाइनरी कोड ज्ञात करने के तरीके बताएंगे। आइए बाइनरी कोड कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो पहले तो उस आंकिक मान को हम लिखेंगे, और ये जो वैल्यू होता है जो यहाँ पे डिवाइड करके आता है उसको कहते हैं भागफल, और यहाँ जो प्राप्त होता है इसे कहते हैं शेषफल। मीन्स दो से इसको डिवाइड किया जाता है। कोई भी जो आंकिक मान होता है उसको सभी को दो से डिवाइड किया जाता है, और जो भागफल प्राप्त होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। आइए दो से डिवाइड करने पर कितना प्राप्त होगा, 22, और शेषफल 1 प्राप्त होगा। फिर इसको दो से डिवाइड करने पर 11 प्राप्त होगा और शेषफल 0, और फिर इसको दो से 5, 1, और दो से डिवाइड करने पर 2, 1, और दो से डिवाइड करने पर एक बार में और यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब इसका बाइनरी कोड लिखेंगे तो इस संख्या से लेकर और ऊपर जितनी संख्याएं दी गई हैं सबको लिखते हैं। मीन्स 45 का जो बाइनरी होगा वो क्या होगा, 1, 1 के बाद 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1। मीन्स 45 का जो बाइनरी संख्या होगा वो होगा 1, 0, 1, 1, 0, 1। ये था बेसिक मेथड, इस प्रकार से हम करेंगे। लेकिन आइए एक और हम अच्छा मेथड इस पर बताएंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, जो वैल्यू दिया है 45, इस वैल्यू को आप कैसे प्राप्त करोगे इसके लिए हम बता रहे हैं। आप लिखोगे 1, सबसे पहले आप 1 लिखोगे और लेफ्ट साइड में बढ़ते जाना है, और लेफ्ट में आते उसको डबल करते जाना है। तो 1 का 2 गुना 2, 4, 8, 16 और 32, और 32 का डबल आप करोगे तो 64 होगा। आपको जो संख्या का वैल्यू निकालना है, जिसका बाइनरी निकालना है, उससे कम का संख्या यहाँ पे आपको लिखना है। अब क्या करेंगे कि किसको किसको जोड़ने से 45 प्राप्त होता है, तो 32 और 8 40, और 4 44, और 1 45। जिसको जोड़ने से 45 प्राप्त हुआ उसका कोड होगा 1, और जिसे नहीं जोड़ा गया उसका कोड होगा 0। इट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं 1, 0, 1, 1, 0, 1। देखिए इसके बराबर ये आ गया, ठीक है। तो इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 0 को ट्रायंगल और 1 को डॉलर से डिनोट करते हैं, तो 95 को बाइनरी का कोड क्या होगा। आइए सबसे पहले 95 का हम बाइनरी निकालेंगे। तो सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताया हूं, आपको उस तरीके से आपका इसका बाइनरी निकालना है। आइए सबसे पहले इसका बाइनरी पर बात करें, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64।
95 है तो 95 से कम, अगर जो आगे लिखते तो 128 हो जाता जो कि 95 से बड़ा है। आपको 95 से छोटी वैल्यू लेनी है। किसको किसको जोड़ने से 95 प्राप्त होगा? तो 64 और 16 80, 80 और 8 88, 88 और 4 92 और 92 और 2 94 और 1 95। मीन्स जिसको जिसको मैंने सर्कल किया उन सभी का कोड होगा 1 1 0 1 1 1 1 1। इट मीन्स 95 का कोड बाइनरी हो जाएगा 10, उसके बाद सभी 1। फिर क्या कह रहा है, आपका कोड इधर दे रखा है, इट मीन्स 95 को हम कहेंगे ट्रेंगल डॉलर ट्रेंगल 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 और ट्रेंगल। इट मीन्स एक ट्रेंगल डॉलर और उसके बाद 5 ट्रेंगल। एक और प्रश्न लेते हैं, आपको कोड ज्ञात करना है 44 का। आप सब भी मेरे साथ इस कोड को, इसका बाइनरी कोड निकालें। आइए 45 है, क्या करें, 1 2 4 8 16 और 32। किसको किसको जोड़ने पर 44 प्राप्त होगा? तो 32 32 32 और 8 40 और 4 44। इट मीन्स मैं इसको 1 0 1 1 0 0, इट मीन्स 44 का बाइनरी कोड होगा 101100। लेकिन आपको कोड दे रखा था 0 को क्या कहते हैं ट्रेंगल और 1 को क्या कहते हैं डॉलर। इट मीन्स इसका होगा ट्रेंगल, 0 का कोड है ट्रेंगल मीन्स डॉलर ट्रेंगल डॉलर डॉलर ट्रेंगल और ट्रेंगल। सब आपको बाइनरी निकालना है और बाइनरी के बाद जैसा भी कोड दिया जाएगा उस हिसाब से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान मेथड है, आंकिक मान से आप बाइनरी का पहले कोड निकालेंगे, उसके बाद जो भी उस कोड को संकेत दिया गया है, जो उसका चिन्ह दिया गया है, उससे हम इसका कोड कर देंगे। एक और प्रश्न करते हैं, 0 का कोड स्टार और 1 को डॉलर से संकेत दिया गया है। मैं एक प्रश्न लेता हूं 67, 67 का बाइनरी क्या होगा? तो आप 67 तक 1 से लेकर और उसके लेफ्ट साइड में उसको डबल करते हुए जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको डबल करते हुए लिखेंगे। तो 1 1 के बाद 2 4 8 16 32 और 64। किसे जोड़ने पर 67 प्राप्त होगा? तो 64 और 2 66 और 1 67। मीन्स मैं ऐसे कहूं कि 67 का बाइनरी क्या होगा? तो 1 0 0 0 0 1 1। तो ये हो जाएगा बाइनरी। बट हमसे क्या कह रहा है, हमसे उसका संकेत दे रखा है, बाइनरी का भी संकेत दिया है। इट मीन्स इसको हम डॉलर स्टार 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 और डॉलर डॉलर से इंडिकेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, आप या तो इसको बेसिक मेथड कर सकते हैं और या तो इस मेथड से आप बहुत आसानी से किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का आप बाइनरी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेकर लेते हैं, आंकिक मान 171 का कोड क्या होगा जबकि 0 का चिन्ह दिया गया है ट्रायंगल और 1 का चिन्ह दिया गया है डॉलर। आइए सबसे पहले हम 171 का बाइनरी निकालेंगे। तो 171 का बाइनरी क्या होगा? तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128। किसको किसको जोड़ने से 171 प्राप्त होगा? 128 और 32 128 32 और 8 32 और 8 40 और 168 168 और 2 170 और 1 171। मीन्स मैं ऐसे कहूं 171 101 0 1 0 1 0 1 1। मीन्स जिसको जिसको जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होगी उसका कोड होगा 1 और जिसे जोड़ा ना जाए उसका कोड होगा 0। इट मीन्स अब हमसे कह रहा है कि उसका संकेत इधर दिया गया है, संकेत क्या होगा? तो संकेत होगा डॉलर ट्रेंगल डॉलर ट्रेंगल डॉलर ट्रेंगल डॉलर और डॉलर।
अब अगला पॉइंट होगा कि कोड से आंकिक मान हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। चिन्हों का कोड दिया गया है, इस ट्रायंगल को 1 और एट द रेट को 0 से संकेत किया जा रहा है। दिए गए कोड में ट्रायंगल एट द रेट ट्रायंगल 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 एट द रेट का आंकिक मान क्या होगा। आइए बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका होगा। अभी हम आपको बताए हैं कि हम जिसका जोड़ने पर जो आंकिक मान प्राप्त हो रहा था उसका कोड एक करते थे। इट मीन्स हम सबसे पहले ट्रायंगल को क्या कहेंगे, 1 0 0 1 1 1 0, ये हमारा होगा बाइनरी, ठीक है। अब बाइनरी ये हो गया तो मीन्स 1 2 4 8 16 32 और 64, और जिसका जिसका बाइनरी एक है उसे ऐड करना है आंकिक मान बनाने के लिए। तो 64 8 4 और 2, 64 और 8 72, 72 और 4 76, 76 और 2 78। तो बहुत ही आसान तरीका है बाइनरी, किसी भी संख्या का बाइनरी निकालना या किसी भी कोड के द्वारा, किसी बाइनरी संख्या के द्वारा कोई भी आंकिक मान निकालना। इट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा होगा 78। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। संकेत वही होगा, ट्रायंगल का बाइनरी 1 और एट द रेट का 0। एक हम यहाँ पे प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल एट द रेट एट द रेट एट द रेट ट्रायंगल ट्रायंगल और एट द रेट का आंकिक मान होगा, आंकिक मान होगा। ये बहुत, अब आपको अगर जो समझ में आ गया है, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसको ओरल कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या बात किया कि जिसका 1 होगा उसे ऐड करना है और जिसका 0 होगा उसे ऐड नहीं करना है। आइए डायरेक्ट यहीं पे बात करते हैं, डायरेक्ट यहां से चलते हैं। तो इसको हम कहें 1 2 4 8 16 32 64 और 128। एक और जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा है कि ट्रायंगल का मतलब 1 और एट द रेट का मतलब क्या होगा, 0। आइए अब किसको किसको ऐड करना है, तो 128 64 और 4 और 2 को, बाकी और किसी को ऐड नहीं करना है। इट मीन्स हमारा जो राइट आंसर होगा 128 64 4 और 2 होगा। 128 64 4 और 2 सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा राइट आंसर होगा 198। इट मीन्स अब आप बिना बाइनरी को लिखे भी आपको इस संकेत के द्वारा भी आप किसी भी संकेत का, किसी भी कोड का डायरेक्ट आप आंकिक मान निकाल सकते हो। अगला पॉइंट होगा गणितीय संक्रियाएं। देखिए गणितीय संक्रियाओं को इस कोड के द्वारा कैसे हम उसका आंकिक मान निकालेंगे इस पर हम बात करेंगे। आइए यहाँ पे कोड दे रखा है ट्रायंगल को 1 और एट द रेट को 0। मैं इधर लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल को 1 और एट द रेट का 0 संकेत दिया गया है। मीन्स हम यहाँ इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको 1 1 0 1 इंटू 1 और 1 ये दे रखा है। पहले हम बाइनरी में निकालें। अब आइए 1 2 4 8, मैं बोला जिसका कोड 1 होगा उसे ऐड करना है 8 4 और 1, 8 4 12 और 1 13। मीन्स इस पूरे का कोड क्या होगा, पूरे का आंकिक मान क्या होगा, तो पूरे का आंकिक मान होगा 13। इंटू इसको हम करें 1 और 2 2 और 1 कितना होगा 3। मीन्स इस पूरे का मान कितना होगा 3, और 13 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 39। इट मीन्स राइट आंसर होगा 39। एक और प्रश्न, ट्रायंगल 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 एट द रेट और ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल ट्रायंगल और एट द रेट, इस चिन्ह के सहायता से सबसे पहले हम बाइनरी लिखें, बट आप बिना बाइनरी का अब करने की कोशिश करो। मीन्स मैं ऐसे कहूँ कि जिसका कोड 1 होगा उसे ऐड करना है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो ट्रायंगल को 1 1 2 4 8 और 16, मीन्स जो ट्रायंगल है उसे ऐड करना है,
यानी 16, 8, 4 और 1, 16 और 8, 24 और 4, 28 और 1, 29। इस पूरे का आंकिक मान होगा 29, 1, 2 और 4, 4 और 2, 6, इट मीन्स इसका आंकिक मान होगा 6, और 29 और 6 कितना होता है 35। किसी का भी आंकिक मान आसानी से, कितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उसका आंकिक मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले पार्ट में हम अच्छे और नए क्वेश्चंस जो अभी एग्जाम में आए हुए हैं उस पे से क्वेश्चन करेंगे। और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और लाइक करें और खूब ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।